दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज फिर एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो जो वीडियो पर डे का आएगा वो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रेमेडी पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। हाइपेरिकम का रोल क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हाइपेरिकम कोई भी चूहा बाइटिंग कर ले, चूहा काट ले, तो उस कंडीशन में उससे नर्व आपका इफेक्टेड हो तो उस कंडीशन में हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। उस कंडीशन में हाइपेरिकम 32 ड्रॉप्स 3 टाइम ले, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपेरिकम मेनली नर्व्स का बहुत अच्छा मेडिसिन माना गया है, नर्व्स डिसऑर्डर के लिए काफ़ी बेटर रेमेडीज माना गया है। तो इस कंडीशन में नस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम 32 ड्रॉप 3 बार ले। नेक्स्ट दोस्तों, यदि यह आपके घर में रखने योग्य मेडिसिन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, नेक्स्ट यदि आपका दरवाज़ा में या कहीं भी हाथ कुचल गया हो और कुचलने के बाद काफ़ी दर्द हो, पेन हो, उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा मदद करेगा आपको, काफ़ी अच्छा सपोर्टिंग मेडिसिन है। कुचलने पर और दर्द ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम 32 ड्रॉप्स 3 बार ले। नेक्स्ट दोस्तों, यह हाइपेरिकम हेमलेजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो पाइल्स के जो भी पेशेंट हैं उनको ब्लड आ रहा है, हेमलेजिंग हो रहा है, रेक्टम में ज़्यादा पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन के लिए भी हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। इसमें थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, 2-3 महीना कम से कम ले तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी 2-2 ड्रॉप 3 बार लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि क्रॉनिक आप गिर गए हैं या किसी कारणवश आपको चोट लग गया है, चोट लगने के वजह से बाद में वह नर्व्स प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी पेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में 200 पोटेंसी का प्रयोग करें, 2-2 ड्रॉप्स सुबह शाम ले, ये भी कुछ दिन तक लेना पड़ेगा, लेंगे तो बिल्कुल वो भी प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। मेनली दोस्तों यहाँ ये नस जो यहाँ है, यहाँ से लेकर के सिक्रल रीजन, लंबर रीजन तक यदि किसी कारणवश बैकएक हो रहा है या पीछे लंबर रीजन से लेकर के इधर दर्द कर रहा है बैक साइड, तो या तो चोट लगने से भी हो सकता है या तो नर्व्स प्रॉब्लम हो सकता है, उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। उस कंडीशन में भी 30 पोटेंसी का 2-2 ड्रॉप 3 बार ले, काफ़ी अच्छा काम करेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है हाइपेरिकम, सपोज कीजिए कोई भी कहीं भी आप जा रहे हैं, गिर गए, नर्व इंजर्ड हो गया, नर्व्स डैमेज हो गया, नर्व्स में प्रॉब्लम आ गया, तो उस कंडीशन के लिए भी हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। उस कंडीशन में भी वैसे ही ले, 2-2 ड्रॉप 3 बार। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपेरिकम जो है वह मेनली नर्व्स का बहुत अच्छा दवा है, नर्व्स डिसऑर्डर का काफ़ी अच्छा दवा माना गया है। नर्व्स से रिलेटेड इस काफ़ी आपका सफल मेडिसिन है नर्व्स के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश कोई क्या कहते हैं वो लोहा हो, जंग लगा हुआ हो और उससे यदि आपको लग गया हो, तो एंटीसेप्टिक माने उसके लिए भी यह काफ़ी अच्छा मेडिसिन, उससे लग गया हो, कुचल गया हो या कट गया होगा, कट लग गया होगा तो टिटनेस ना होने के लिए एंटीसेप्टिक मेडिसिन है दोस्तों। उस कंडीशन में भी हाइपेरिकम 32 ड्रॉप्स 3 बार लेंगे तो वो आपको सेप्टिक नहीं होने देगा और वो आपको बचाएगा। टिटनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन हाइपेरिकम को माना गया है।
नेक्स्ट दोस्तों, यदि कट लग करके और घाव हो गया हो और काफ़ी पेन कर रहा हो और नब्स कहीं पकड़ा गया हो, उस कंडीशन के लिए भी हाइपेरिकम काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है। इसमें भी 2-2 ड्रॉप्स 3 बार ले, कुछ दिनों तक लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम हाइपेरिकम के बारे में आपसे शेयर किए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको पुनः आपसे आग्रह है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन बटन को दबाएं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।